नमस्कार, मैं मनीष कुमावत और आप देख रहे हैं पॉजिटिव सोच की कहानी। टिम बर्नर्स-ली इन्होंने खोजा वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www. लेकिन आज ये घर घर इंटरनेट किसने पहुंचाया? आज वो इंटरनेट जिससे हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। दुनिया में बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी इकोनॉमी डिपेंडेंट है। हंसने के लिए संता बंता जोक्स तो बहुत है, लेकिन मेरे सवाल पे गौर करिए, कौन है वो शख्स जिनकी बदौलत आज ये इंटरनेट हर घर में पहुंचा है? एक और पॉजिटिव सोच की कहानी जो शुरू हुई थी मात्र एक छोटे से कैमरे से, पर आज की इस इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में उनके नाम से 120 पेटेंट है। पूरी दुनिया में आज इतनी आसानी से इंटरनेट को पहुंचाने का क्रेडिट इन्हीं को जाता है। हालांकि इसका श्रेय वास्तविकता में इनको नहीं मिला, तो इन्होंने भी कभी परवाह नहीं करी, चिंता नहीं करी, और ये हमेशा अपनी नई सकारात्मक सोच के साथ नई खोज में लगे रहे। तो आइए जानते हैं फादर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर डॉक्टर नरेंद्र सिंह कपानी के बारे में। एक और पॉजिटिव सोच की कहानी, एक महान सिख की कहानी। सिखों के बहुआयामी व्यक्तित्व के किस्से और इंटरेस्टिंग उपलब्धियों की कहानियां हम सब हमेशा से ही सुनते आए हैं। आज हम फरीदकोट पंजाब में पैदा हुए डॉक्टर नरेंद्र सिंह कपानी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर कपानी एक वैज्ञानिक, एक उद्यमी, एक प्रबंधक, एक शिक्षाविद, एक प्रकाशक, एक व्याख्याता, एक किसान, एक परोपकारी, एक कला पारखी, अद्भुत। 120 पेटेंट अपने नाम करने वाले डॉक्टर कपानी को फाइबर ऑप्टिक के पिता के रूप में भी जाना जाता है। उनके आविष्कारों की बदौलत आज हमारे पास कई बायोमेडिकल, लेजर, सौर ऊर्जा और प्रदूषण निगरानी यंत्र हैं। आज की तेज गति के इंटरनेट की दुनिया का आधार डॉक्टर कपानी द्वारा किए गए ऑप्टिक फाइबर के आविष्कार के कारण ही संभव हुआ। इस महान उपलब्धि के लिए डॉक्टर कपानी धन्यवाद के पात्र हैं, और पूत के पांव तो पालने में ही दिख जाते हैं। आज से 75 वर्ष पूर्व उनके पिता ने उन्हें एक कोडक कैमरा गिफ्ट किया। उनके मन में उत्सुकता उठी कि यह कैमरा काम कैसे करता है। बस फिर क्या था, सारा कैमरा खोल के रख दिया। जब मैट्रिक में पढ़ते थे तो उनके टीचर ने कहा, प्रकाश सीधी दिशा में ट्रेवल करता है। बाद के वर्षों में इस बात को अन्यथा साबित करने के लिए सन 1954 में फाइबर ऑप्टिक्स का आविष्कार किया। डॉक्टर नरेंद्र सिंह कपानी हमेशा से ही नई चीजों को जानने के लिए, नए शोध करने के लिए उत्सुक रहते थे। आगरा से साइंस की डिग्री लेने के बाद भारत सरकार के फौज के हथियार बनाने के कारखाने में ऑप्टिक यंत्रों का डिजाइन व निर्माण किया। फिर सन 1953 में पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए। वहां उन्हें आगे की रिसर्च के लिए अधिछात्रवृत्ति मिल गई। अपने 18 महीने के अध्ययन के दौरान फाइबर ग्लास के माध्यम से प्रकाश और छवियों के प्रसारण करने के कई लेख प्रकाशित किए।
उनके सफल शोध के बाद अंग्रेज प्रोफेसर ने उन्हें पीएचडी करने की सलाह दी। उन्होंने अपनी पीएचडी पूरी की और अपना आगे का रिसर्च वर्क जारी रखा और अमेरिका चले गए। वहां कुछ समय एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहकर पढ़ाया, फिर अमेरिका के कैलिफोर्निया में जाकर बस गए। बहुत से विश्वविद्यालयों में अध्यापन का कार्य किया। वह एक रिसर्च संस्थान CTED में 7 वर्षों तक डायरेक्टर भी रहे। सन 1960 में उन्होंने ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी की स्थापना की और 12 वर्षों तक उसके चेयरमैन डायरेक्टर रहे। उन्होंने विश्वव्यापी व्यापार किया और बहुत प्रसिद्धि पाई। सन 1973 में कैप्ट्रॉन कंपनी की स्थापना की और 1990 तक इसके मालिक रहे। फिर एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया। बाद में K2 ऑप्ट्रॉनिक्स नाम की कंपनी खोली और अब उसका कारोबार देखते हैं। वह शोध करते रहते हैं। उन्होंने 100 से अधिक शोध पत्र व 4 पुस्तकें प्रकाशित की। अपनी मां द्वारा मिले संस्कारों के कारण वे शिक्षा और कला को प्रोत्साहन देने के लिए अपना योगदान देते रहते हैं। साथ ही महिला उत्थान के कार्यों में भी प्रयासशील रहते हैं। उनके बनाए आर्टवर्क शिकागो, मॉन्टेरी, स्टैनफोर्ड आदि आर्ट गैलरी में प्रदर्शित हैं। उनके द्वारा की गई कई अद्भुत खोज व कार्यों के लिए उन्हें बहुत से अंतरराष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। हमें डॉक्टर कपानी जैसे व्यक्ति के भारतीय होने पर बहुत ही गर्व है। इस कहानी की सीख जो है वो ये है कि उत्सुकता और निरंतर प्रयास अद्भुत सफलता की कुंजी है। ये पॉजिटिव सोच की कहानी आपको कैसी लग रही है? अगर मेरा प्रयास आपको सच्चा और अच्छा लग रहा है तो इनको लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। और आप सबसे फिर से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।